हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th एंड वेलकम टू यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेमेस्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 1। सो आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट्स एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ मिडेवल गुजरात। बट बिफोर दैट आई वुड हैव समथिंग टू शेयर विद यू एन इम्पोर्टेंट कॉट दैट इज देर इज टीम वर्क एंड देर इज नो आई इन टीम वर्क। सो फ्रेंड्स दे वॉन्ट टू से दैट when we going for any teamwork, especially games like soccer, hockey, football, so we don't have to think about ourselves, we have to think about the team, especially cricket also, so it's a team game. And for example, we all teachers are working like a team to help the student to give their exam. Hum log sab milke kaam karte tabhi to aapka syllabus टाइम पे पूरा होता है। सम टाइम इट्स हैपन कि कभी कभी कोई टीचर स्लैक कर जाता है, बट हम उनकी प्रॉक्सी भर के कहीं ना कहीं आपको आपका सिलेबस पूरा कर ही देते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्ट्रेट अवे यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज गिवन मिडेवल गुजरात एंड नथिंग रिटन ऑन इट। वेल देर इज समथिंग पिक्चर इज गिवन and what is this picture, if you see at the bottom you will find, you will see that it's a patola of patan. Okay, so it's a one kind of cloth. Okay, and it is world famous. As you can see, a man roamed about a village street playing a song on his ravanathatta wood violin. It's a one kind of violin. A group of small children was also roaming along with them. He continued singing song repeatedly, the words of which are chela jire patan thi patola monga laojo. Okay, so it's a basically a gaon ka scene hai, and in that particular village you will find a man playing violin and he's continuously moving out of the street of the village. Uske piche kuch bacche lage hue hain. एंड बच्चे उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो वायलिन बजा रहा है, साथ में एक गाना भी गा रहा है और बार बार एक ही लाइन को रिपीट किए जा रहा है, छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंगा लाओजो। आई डोंट नो छेला जी किसको कहते हैं, बट इसमें ऐसा एक डिमांड की गई है कि जब पाटन जाओ तो वहाँ से जो महंगे वाला पटोला है ना वो ज़रूर लाना। अब ये पटोला और पाटन क्या है? इट्स अ वन काइंड ऑफ क्लोथ एंड ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इफ़ यू गो ऑन द अमेजोन साइट या किसी भी पटोला और पाटन यू विल फाइंड लाख लाख रुपये का बिकता है। ओके, सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ आई कैन से, डेट इज़ वाई दे से पाटन थी मोंगा पटोला लाओ जो। एनी हाउ अमोंग द चिल्ड्रन हु सेंग अलोंग विद द सिंगर वॉज प्रतीक। सो ऐसे ही अब बार बार एक ही लाइन सुनते रहते हैं तो हमको भी लाइन गाने का मन होता है, एंड ऐसे ही हमारे क्यूरियस स्टूडेंट एक ऐसे ही क्यूरियस बच्चे का नाम है प्रतीक। वेन ही रिटर्न होम ही आस्क हिज ग्रैंडफादर अबाउट द पटोला ऑफ पाटन। सो जैसे वो घर आते हैं अपने दादाजी से पूछते हैं कि ये पटोला ऑफ पाटन क्या है। प्रतीक्स ग्रैंड फादर हैड ए वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एनेडॉट्स। सो उनके पास इतिहास का बहुत सारा खजाना होता है। वेल टेलिंग द प्रतीक अबाउट द पटोला ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द एंशियंट सिटी अहिलवर पाटन। तो उन्होंने लगे ठीक है पाटन का पटोला तो मैं बताऊंगा, पर ये उनको पाटन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज तो हम लोग जानते हैं कि पाटन इट्स अ वन डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात, बट अर्लियर इट वाज द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड उसका पुराना नाम था अहिलवर पाटन भी बोल सकते हो, ठीक है, व्हाटएवर यू विल फील प्रोनाउंसिएशन। नाउ लास्ट पैराग्राफ of this page, in the medieval age 646 to 304, friends ये याद रखना, इस ये जो 700 से लेके 13th century तक का जो पीरियड होता है इसको हम लोग मिडेवल पीरियड कहेंगे। एंड आपको आगे हिस्ट्री में स्टैंडर्ड 8 में स्टैंडर्ड 9 तो बहुत बार मिडेवल एज मिडेवल पीरियड आएगा, ठीक है। सो आपको बेसिकली कुछ लोग तो 8th century टू 12th century बोलते हैं, बुक्स टू बुक्स डिफर करता रहता है एंड सारे हिस्टोरियन के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं।
सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 560 ईयर्स अगो। ओके सो अगर आप ये पूरा टाइम गैप देखोगे तो आपको आई थिंक कुछ 550 साल का इतिहास देखने को मिलेगा जो हमारा बेसिकली मिडिवल पीरियड कवर अप करता है। वेल, इसमें आपके बहुत सारे किंग आते हैं जैसे कि द चावड़ा, द सोलंकी, द वाघेला रूल्ड ओवर गुजरात। सो ड्यूरिंग दिस 550 ईयर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, पहले सी यानी चावड़ा आएगा, बाद में एस सोलंकी आएगा, एंड देन लास्ट में वी यानी वाघेला आएगा। सो कभी कन्फ्यूज मत होना, इट्स गोज ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ओनली। ड्यूरिंग देयर रेन द कैपिटल ऑफ द देयर किंगडम वॉज अहिलवर पाटन। तो जितने भी ये किंग आए और गए लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, एंड डेट इज़ वॉट, कि इनका कैपिटल चेंज नहीं हुआ, इनका कैपिटल अहिलवर पाटन ही था। लेटर कॉम टू बी नोन एज, पहले अनहिलपुर पाटन था एंड देन बाद में अहिलवर पाटन होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। करंटली अनावाड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वॉज ओरिजिनली नोन एज द अहिलवर पाटन। अगर आप आज देखोगे ना तो जहाँ पे प्रॉपर पाटन सिटी है आपको उसके वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पर एक गांव है अनावाड़ा। तो बेसिकली वही हमारा पुराना अहिलवर पाटन हुआ करता था। चलो आई थिंक ये स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस मूव अहेड। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 2। यू कैन सी देर इज अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणपति, भगवान गणपति की एक फोटो दे रखी है। उनके सामने एक स्टोन का पत्थर है एंड इसमें लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन आइडल। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग नॉर्मली पेन या पेंसिल से नोटबुक में लिखते हैं। अब कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के घर के नंबर के आगे नेम प्लेट होती है और वो भी स्पेशल टाइप की उसमें लिखावट होती है, जिससे मतलब हैमर और एक नेल को लेके वो लोग स्ट्राइक करके लिखते हैं। आप कुछ कुछ ऐसा ही चीज़ यहाँ पर इमेज में भी देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपरली विजिबल नहीं है वरना हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर ये लैंग्वेज भी हमारी समझ में आती तो आई थिंक संस्कृत में लिखा हुआ है, बट मे बी ये इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। क्या है शायद शायद हमको पैराग्राफ पढ़ के पता चले। लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट, द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचसर। इट रूलर जय शिकारी अटेंड माइटेडम इन द वॉर। ओके, तो यहाँ पर चावड़ा डायनेस्टी पहले फॉर्मड होती है जो पंचसर और उसके आसपास के एरिया में रूल करती है। अब यहाँ पर एक राजा थे जय शिकारी। ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, मीन्स शहादत पाते हैं, एंड हिज सन वनराज चावड़ा रिकैप्चर हिज फादर किंगडम। ओके, तो ये मरते ही नहीं है लेकिन अपना किंगडम भी लॉस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में इनके जो सन है वनराज चावड़ा वो वापस से अपने फादर की खोई हुई टेरिटरी को वापस लाते हैं। एंड इन द पैलेस इन द प्लेस ऑफ द रूइंड किंगडम ही इस्टेब्लिश अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। तो उनका एंड विच वॉज नोन एज द अहिलवर पाटन। ओके, तो उनका किंगडम तो पूरा मतलब ख़त्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, पूरा खंडर बन गया था। सो उन्होंने एक नया किंगडम इस्टेब्लिश किया और वो भी सरस्वती रिवर के पास में, एंड डेट इज नोन एज द अहिलवर पाटन। इट इज़ बिलीव डैट हिज फ्रेंड अनहिल असिस्टेंट हिम एक्वायरिंग द किंगडम एंड हैंस द टेरिटरी वॉज नेम्ड अहिलवर पाटन आफ्टर हिम। द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रोक्सीमेटली 196 ईयर्स। देयर आफ्टर द किंग द सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। ऐसा माना जाता है कि वनराज चावड़ा को अपना किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए उनके एक फ्रेंड, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था अनिल, एंड उन्होंने बहुत हेल्प की थी। सो बेसिकली मैंने कुछ जगह रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला है कि उनके जो फ्रेंड थे वो एक तरह के गाइड थे और उनको आसपास के जंगलों का पूरा नॉलेज था। तो कैसे वनराज चावड़ा अटैक करेंगे, कहाँ से अटैक करेंगे, कहाँ अगर उन पे काउंटर अटैक होता है तो उनको कहाँ पे छुपना है, ये सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने प्लानिंग किया। एंड ड्यू टू हिम ओनली वनराज चावड़ा ने अपने फादर की जो मौत का बदला वापस ले पाए, एंड
अपने दोस्त की इसी हेल्प को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने जो अपना नाम था ना, अपने फ्रेंड का नाम था अनिल, उनके नाम पर ही अहिलवर पाटन नाम रखा गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद वनराज जो चावड़ा डायनेस्टी है वो आई थिंक कुछ अप्रोक्सीमेटली 200 यहाँ पे 196 लिखा हुआ है, इतना ये रूल करती है। एंड चावड़ा के बाद किसका रूल आता है? वेल, फिर आ जाते हैं सोलंकी पीरियड। ठीक है, लेट अस मूव अहेड नाउ। डन नाउ। यू कैन सी इंस्क्रिप्शन कार्ड ऑन द आइडल, जस्ट ए मिनट। ओके नाउ, गुड, नाउ आई फील मोर एनर्जेटिक। नाउ ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकम वेरी प्रॉस्परस। तो गुजरात का जो ओरिजिनल डेवलपमेंट है वो सोलंकी के टाइम पे होता है। द राजपूत एरा सो अहिलवर पाटन एमर्ज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, आई एम सॉरी फॉर डैट अगेन। तो राजपूत रूलर्स इस टाइम पे बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। सेकेंड लाइन कॉर्नर में, द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमार पाल। सो ये कुछ रूलर्स का सीक्वेंस दे रखा है जो इन लोगों ने रूल किया था। कुमार पाल वेयर अमोंग द ग्रेट रूलर, एंड इन सब में कुमार पाल को एक अच्छा स्टेटस मिला हुआ है। द फेमस स्कॉलर कालिका सर्वांगन श्री हेमाचंद्राचार्य वॉज अ पेट्रोनाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। सो सिद्धराज जयसिंह के रूल में एक बहुत ही फेमस स्कॉलर श्री हेमचंद्राचार्य, जिनको कुछ लोग कालिका सर्वांगन कहते हैं, आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग होता है, बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहिलवर पाटन बिकम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन एज नोन एज द विद्याधाम। एंड उस टाइम पे एजुकेशन का जो हब था डेट इज विद्याधाम, हम लोग अहिलवर पाटन को कहा करते थे। अहिलवर पाटन बिकम द मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन इन दो नोन एज द विद्याधाम। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रॉट अ बुक ऑन ग्रामर सिद्धेम शब्द अनुशासन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन द एलिफेंट एंड द प्रोसेशन वॉज कैरिड आउट थ्रू आउट द सिटी। बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य अकम्प्लेंड द पोजिशन ऑन फुट। सी सिद्धराज जयसिंह ने एक रिक्वेस्ट की हेमचंद्राचार्य से कि आप एक बुक लिखिए ग्रामर पे, एंड उन्होंने वो बुक कंपोज की। उसका नाम था सिद्धेम शब्द अनुशासन। एंड जैसे ये कंप्लीट होती है तो राजा ने बोला कि इसका पता पब्लिक में पब्लिक को चलना चाहिए। एंड इन्होंने एक आइडिया लगाया, इन्होंने क्या किया, एक एलिफेंट को मतलब नगर में घुमाया, एंड उस एलिफेंट के ऊपर ये बुक को रखा गया। एक तरफ हमारे सिद्धराज जयसिंह है, दूसरी तरफ कंपोजर जो श्री हेमचंद्राचार्य हैं, ये पूरे नगर में घूमते हैं। किसी बुक का इस तरह का सम्मान हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए तो ये इवेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया होता, म्यूजियम में रखी होती, तो शायद कोई दिमाग में भी नहीं रखता। लेकिन एक बुक को हाथी पर रख के नगर में घुमाना, सो एक अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट है। और हाँ, दोनों राजा अपने पैदल चल रहे थे हाथी के साथ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द लिटरेरी लिटरेचर वॉज गिवन सच ए एनॉर्मस रिस्पेक्ट। ऐसी रिस्पेक्ट कभी भी किसी बुक को पहले कभी नहीं दी गई। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुजरात रिच एट इट्स एपेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार पाल एट द टाइम ऑफ द अमालगमेशन ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा प्रॉस्पेरिटी लक्ष्मी एंड एजुकेशन सरस्वती वॉज नोटिस इन अहिलवर पाटन। ऐसी मतलब जो समृद्धि थी, ऐसी जो मतलब जो लेवल था वो कभी नहीं देखा गया। इस टाइम पे सोसाइटी में सब कुछ था, शांति थी, अहिंसा थी, प्रॉस्पेरिटी, लोग पैसे वाले हुआ करते थे और लोग एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। सो एट ए टाइम आई कैन से गुजरात वॉज द सुपर पावर, वी कैन से डेट। द किंग ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वेर ग्रेट रूलर्स। तो ये जो सोलंकी किंगडम के जो राजा थे, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे रूलर थे, क्योंकि जो अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। हिस्ट्री अच्छा किंग किसको कहेगा, जिसने सही में पब्लिक के लिए कुछ किया हो। हाउ एवर सिक्स ऑफ दिस रूलर रिनाउंस देयर थ्रोन एंड बिकम द हर्मिट्स। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये जितने भी जितने सोलंकी के 6 राजा थे ना,
ये पहले तो राजा बन जाते हैं और बाद में अपना राजपाट त्याग के साधु महात्मा बन जाते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी विजिट कर सकते हो, इवन कंटेंट आर अवेलेबल ऑन द गूगल ऑल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो भी हमने कहा था कि जो बुक हाथी पर रख के पूरे नगर में घुमाई गई थी उसका नाम था सिद्धेम शब्दानुशासक, और ये वो कुछ ऐसी थी। सो यू कैन इमेजिन उस टाइम पे लोग कैसे लिखा करते थे, क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ओके, आज की तरह वो लोग पेन और पेंसिल से नहीं लिखते थे। आप लोगों ने अगर कुछ माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, मोर पंख रखते हैं, इंक में डुबाते हैं और आई थिंक कुछ आधी लाइन लिखते हैं, फिर से इंक में डुबाते हैं। आई थिंक वो रिफिलिंग करते होंगे एंड थोड़ी देर के बाद वो लिख इंक थोड़ी फीकी पड़ने लग जाती होगी, इसलिए वो लोग बार बार इंक में डुबा के लिखते होंगे। नाउ थिंग्स टू नो, यहाँ पर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाटन, तो इस पाटन को कब इस्टेब्लिश किया गया? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट धर्म धर्मरन, पाटन वॉज इस्टेब्लिश इन 802 विक्रम 7, डेट मीन्स 746। सो हमारा जो गुजरात कैलेंडर, जो हमारा इंडियन कैलेंडर है उसके हिसाब से विक्रम 7 802 में इस्टेब्लिश हुआ था। डेट मीन्स अगर हम लोग इसको कैलेंडर ईयर में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 746 से ये शुरू हुआ था। अकॉर्डिंग टू द हैंड रिटन मेमोरियल, राजवंशाली लिस्ट ऑफ द डिसेंडेंट क्रोनोलॉजिकली, पाटन वॉज इस्टेब्लिश इन 802 विक्रम 746। आई थिंक ये सेम चीज़ वापस से रिपीट की गई है। इवन टुडे द ईयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एनग्रेव्ड ऑन द गणपति आइडल। ओके, जो हमने गणपति आइडल यहाँ पर देखी थी, ठीक है, गणपति आइडल एट द गणपति पोल। ओके, सो एक जगह है गणपति पोल, वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इस 802 विक्रम संवत। ओके, तो जो स्टोन पे जो लिखा हुआ था वो इनका इस्टेब्लिशमेंट वाला ईयर ही लिखा हुआ था। सो यस, ओके, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्टिविटी में, मेक अ लिस्ट ऑफ सिटी एंड विलेजेस वेयर ओरिजिनली नेम हैव बीन अल्टर्ड फ्रॉम द न्यू नेम्स इन करंटली करंट टाइम्स, गैदर द इंफॉर्मेशन। मैं अगर सबसे रिसेंट इन्फॉर्मेशन बताऊँ ना आपको, तो प्रयागराज, प्रयागराज पहले इसका नाम अलाहाबाद था एंड उससे भी पहले इसका नाम सिर्फ प्रयाग था, तो ये सिटी के नाम बदले गए। ऐसा माना जाता है अहमदाबाद सिटी को पहले कर्णावती कहा जाता था, जैसे कि आपका चेन्नई था वो पहले मद्रास था। ओके, जो भी मुंबई है महाराष्ट्र का कैपिटल, इट वॉज अर्लियर नोन एज द बॉम्बे। अगर आप लोगों ने कुछ पुरानी मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड, आई थिंक अमिताभ बच्चन का एक गाना मुझे याद है, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। सो बम्बई, सो बॉम्बे ये ब्रिटिशर्स ने नाम रखा था, सो हमने अब इसको चेंज करके मुंबई किया है। क्यों मुंबई किया है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुंबा देवी का एक मंदिर है एंड उसके नाम पे, उनके नाम पर ही हमने ये शहर का नाम रखा हुआ है। तो नाम नुम तो बदलते रहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहिल्वर पाटन, नाउ अहिल्वर पाटन हैड नॉट ओनली द डायनेमिक किंग एंड द एकेडमिक बट द क्वींस आर ऑल्सो डायनेमिक। ऐसा नहीं है अहिल्वर पाटन में सिर्फ राजा ही बहुत ही डायनेमिक हुआ करते थे, इवन रानियों का भी कुछ जगह पे हमको देखने को मिलता है कि वो उन लोगों ने कितने अच्छे से अपने किंगडम को मैनेज किया। इनफैक्ट क्वीन क्वीन उदयमती बिल्ट अ स्टेप वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है पीपल। यहाँ पे एक रानी थी क्वीन उदयमती, उन्होंने क्या बनवाया? उन्होंने बनवाया स्टेप वेल। स्टेप वेल्स क्या होते हैं? वेल, आपके लिए जो तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी का स्टोरेज किया जाता है, उस जगह को हम लोग स्टेप वेल कहेंगे, ठीक है। अब पहले के ज़माने में स्टेप वेल्स क्यों बनाते थे? वेल, पहले के ज़माने में यूजुअली गुजरात जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, पता नहीं इस साल ज़्यादा हो रही है बट यूजुअली कम बरसात होती है और पहले भी कम हुआ करती थी। सो वो लोग पानी को लेके बहुत ही सेंसिटिव थे, इवन गुजरात एंड राजस्थान पानी को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये लोग पानी को स्टोर करते थे एंड इसलिए उन्होंने स्टेप वेल्स बनाए थे ताकि पब्लिक प्यासी ना मरे। आजकल तो हम लोग डैम बनवा लेते हैं बट पहले के टाइम पे हम लोग स्टेप वेल्स बनाया करते थे। स्टेप वेल से काम चल जाया करता था क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, अभी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग डैम बनवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड दिस स्टेप इज नोन एज द रानी की वाव। सो वाव मतलब स्टेप वेल्स, ठीक है, स्टेप वेल्स के लिए हम लोग वाव बोलते हैं और ये रानी ने बनवाया था इसलिए रानी की वाव इसका नाम दिया गया है। दिस स्टेप वेल इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स ऑफ अनपैरेलल एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
एंड इसे बहुत सारा आर्किटेक्चर वर्क किया है। इसमें अलग अलग 7 लेवल से आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने ज़्यादा लेवल्स रखे हुए हैं। द ब्यूटीफुल कार्व स्टोन आइडल टेल अबाउट द ग्लोरी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी ईरा। तो ये जितने भी आर्किटेक्चर वर्क है ये शो करता है कि उस टाइम के लोग कितने आर्टिस्टिक हुआ करते थे। क्वीन मीनल देवी, किंग सिद्धराज जयसिंह मदर, वॉज मच कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट एंड वेव्ड ऑफ द पिलग्रिमेज टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह अभी जब जो हमने पढ़ा है उनकी मदर का नाम था क्वीन मीनल देवी, और ये भी अपनी पब्लिक के लिए बहुत ही काम किया करते थे। इनके कहने पर ही जो हम लोग हमारा जो पिलग्रिमेज प्लेस है सोमनाथ, उस पर से टैक्स हटा दिया गया। मीन्स अभी जैसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, आपको कोई भी मंदिर में जाना है तो आपको कुछ जगहों पे ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अभी शुरू हो गया है, तो आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है और तो ही आपको वहाँ पे दर्शन करने के लिए अलाउड किया जाता है ना। तो ये एक तरह से आई थिंक वापस से वही सिस्टम शुरू हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब कुछ साधु महात्मा थे वो इनकी मदर से आके मिलते हैं और बोलते हैं, हम तो भाई साधु महाराज लोग हैं, फकीर लोग हैं, हमारे पास तो कहाँ पैसा होता है, हमको क्या पता कि क्या ये सब होता है। तो उन्होंने कहा कि हमको भगवान के दर्शन में भी अब टैक्स नहीं होना चाहिए। एंड उन्होंने फिर सिद्धराज जयसिंह की मदर क्वीन मीनल देवी ने वो टैक्स माफ़ करवा दिया, नॉट फॉर द साधु महात्मा बट पूरी पब्लिक के लिए। ओके यही नहीं, उन्होंने कुछ लेक्स भी बनाए जिनके भी मैं नाम पढ़ रहा हूँ। मालव लेक ऑफ द धोलका एंड मंदसौर लेक एट द विराम गांव वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शन। तो उनके ही आदेश पर ये कुछ लेक्स बनवाए गए। द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सिद्धराज जयसिंह। तो ये भी कुछ चीज़ें उनके टाइम पे बनवाई गई। थिंक, इन ओल्डन डे पीपल कंस्ट्रक्टेड स्टेप वेल, पोंड एंड वेल्स, नाउ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, वाई इज इट सो? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि पहले के टाइम पे पॉपुलेशन कम थी, सो तालाब और पोंड्स बना के काम चल जाता था, लेकिन आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए हम लोगों को डैम बनवाना पड़ता है। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर वेन एवर यू आर प्लेइंग एनी पार्ट ऑफ द टीम, डोंट थिंक अबाउट यूर सेल्फ, है ना। चक दे इंडिया में मूवी में देखना, जहाँ पर एक वो जो हरियाणवी गर्ल होती है उसको बहुत गोल मारने का होता है, और वो कभी भी अपने खिलाड़ी को बॉल पास करते ही नहीं थे, बट लास्ट में उसने अपनी टीम के बारे में सोचा एंड वो हॉकी स्टिक से बॉल पास ऑन की, एंड फाइनली उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम लोग जीत भी जाते हैं। ठीक है, सो टीम वर्क होता है, तो आप लोग कभी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखे जाते। ओके ये लोग वो ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो पबजी में स्क्वाड बना के खेलते हैं और जिनको चिकन डिनर से मतलब होता है। टीम के किल आने चाहिए, अपना आए या ना आए। ठीक है, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई चैप्टर। एज यू कैन सी ऑन द बैक देर इज जस्ट अबाउट टू बी सनराइज इन माई बिहाइंड, सो आपको थोड़ा सा थोड़ी सी हल्की फुल्की लाइट देखने को मिली जाएगी। वेल, फेस पे जो लाइट आ रही है डेट इज़ ऑफ माई मोबाइल स्क्रीन ओनली, बट पीछे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सनराइज से पहले वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। सो आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग द पार्ट 2 ऑल्सो। सो टिल देन, बाय एवरी वन।